रिकॉर्डिंग परमिशन दे दें। पिवट टेबल में हम बात करते हैं एक्सटर्नल पिवट टेबल की। आज आप लोगों को मैंने रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया है, आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब बात कर रहे हैं एक्सटर्नल पिवट टेबल। एक्सटर्नल पिवट टेबल में एक मेथड है, इसी मेथड के बारे में हम आपके साथ बातचीत करेंगे। जैसे कि आपके सामने डेटा दिख रहा है, कल हमने आपको बताया था, कि कैसे आप पिवट लगाते हैं। तो पिवट में एक प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मान लीजिए डेटा है हमारा, इस डेटा में हमने पिवट टेबल लगा दिया। लगाने के बाद हमने रिपोर्ट अपनी बना ली, जो करना है हम कर लिए, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ये चीज़ को जानिए। जब आप कोई डेटा इंसर्ट करते हैं, कहाँ अपने डेटा बार के लिए, तो उसमें आपका डेटा रिफ्लेक्ट नहीं करता है। अगर मैं इसको नीचे की तरफ आऊं और एक नई डेटा डाल दूं, जैसे मैंने यहाँ पे 71 और मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया अनुराग और हमने डाल दिया SMT, तो आप देखेंगे कि आपके डेटा में ये जो अनुराग है उनका डेटा नहीं आएगा। यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इसको रिफ्रेश कीजिएगा फिर भी नहीं। तो रिफ्रेश करने पे डेटा कौन सा अपडेट होता है, जो आप एग्जिस्टिंग डेटा को कुछ चेंज करते हैं ना, जैसे यहाँ पे हमने कुछ नंबर डाल दिए तो ऐसे डेटा चेंज हो जाते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करने पे। लेकिन जो नई डेटा, क्योंकि पिवट जब हमने लगाई थी तो पिवट कहाँ तक था, 791 तक था, एक नया डेटा ऐड हुआ तो ये पिवट इसको ऑटो रिकनाइज नहीं करता है। इसके लिए हमने कल की क्लास में समझाया था कि पिवट टेबल एनालाइज के अंदर में चेंज डेटा सोर्स और फिर जाके वापस से अपने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, तब जाके ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब यहीं पे प्रॉब्लम हुआ और इसी की सॉल्यूशंस आज आपके सामने हम करने वाले हैं। अब प्रॉब्लम कैसे, क्योंकि अगर आप मान लीजिए पिवट डैशबोर्ड बनाते हैं तो आपके पास अगर डेटा कलेक्ट ऐड होता है डिलीट होता है तो दिक्कत होगा। तो ऑटो होना चाहिए, जैसे कि एक डेटा है मेरे पास, मैं बता दिखाना चाहूंगा आपको। अब जैसे कि ये देख लीजिए सेल्स डेटा है हमारा, जो कि डेली बेसिस पे इसके डेटा के अंदर डेटा ऐड होते जाता है और रिपोर्ट मेरा बनते जाता है। और इसमें मैंने बहुत सारे पिवट लगाए हुए हैं, आप देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे पिवट लगाए हुए हैं, दो दो शीट पे पिवट है, सब पिवट टेबल ही है। अब मैं अगर मैनुअली एक एक पिवट पे जाके उसको सिलेक्ट चेंज सोर्स करूँगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। क्या बोले अंकित जी, अमित जी, अगर मैंने नया डेटा ऐड किया और फिर मैं इस डैशबोर्ड को अपडेट करने के लिए इसके जो जहाँ जहाँ पिवट लगा है, जितने पिवट लगे हैं सब पे जाके अगर मैं करूँगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। क्या ये पूरा पिवट टेबल से बना हुआ रिपोर्ट है, तो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे कुछ ऐसा जो हमारा पिवट टेबल ऑटो अपडेट हो जाए। तो इसके दो तीन मेथड है। पहला मेथड है कि डेटा को आप टेबल में कन्वर्ट कर दें, डेटा को टेबल के अंदर में कन्वर्ट कर दें, तो ये ऐसा किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि टेबल, जब डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाता है तो एक लिमिटेशन हो जाती है, और दूसरा आप डेटा टाइप करते हैं तो आपका टेबल में डेटा आएगा, अगर टाइप नहीं करते हैं तो टेबल में नहीं हो पाएगा। तो अगर आप डेटा को टेबल में कन्वर्ट करके पिवट लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट
यहाँ पे टेबल, सॉरी पिवट टेबल में टेबल, यहाँ टेबल दिख रहा होगा टेबल, एंड ओके कर दिया। अब जैसे कि मैं नीचे डेटा एंट्री करूँगा ना 72 कर दिया, तो टेबल उसको इग्नाइज कर लेता है। तो डेटा एंट्री में तो चलता है, लेकिन अगर आपके पास, क्योंकि जनरली तो डेटा हम कॉपी पेस्ट करते हैं या ऑटो लोड होता है, तो वहाँ पे टेबल प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए टेबल सही रास्ता नहीं है। तो फिर मैं टेबल को हटा देता हूँ, कन्वर्ट टू इंट। तो दूसरा तरीका है आपका एक्सटर्नल पिवट सोर्स। अब यहाँ हम पिवट टेबल पे आते हैं और यहाँ पे एक्सटर्नल, यहाँ दिख रहा होगा फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर पे जाइए, और जिस लोकेशन में आपका डेटा पड़ा हुआ है एंड डेटा उसको सिलेक्ट कीजिए, देन ओपन, और फिर यहाँ पे डेटा सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, देन ओके कर दीजिए। अब जो पिवट बना है, ये बना है हमारा एक्सटर्नल मेथड से, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कोई भी डेटा मैं चेंज करूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने एक नया डेटा चेंज कर दिया, यहाँ नीचे ले जाके मान लीजिए मुझे 72 नंबर, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डेटा हरीश कुमार, और अब ये डेटा मैंने डाल दिया या कॉपी पेस्ट कर दिया। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखेंगे कि आपका हरीश कुमार ऑटोमेटिकली आ गया। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अमित जी, अंकित जी, अनुराग जी, अच्छा एक और है ज्वाइन, 234 नाम दे रखा है, कम से कम नाम तो डाल लीजिए सर, ताकि बोलने में सही रहेगा। इसमें हाँ सर, नाम तो चेंज कर लीजिए कम से कम, 234 आपने डाल रखा नाम। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है एक्सटर्नल डेटा सोर्स का जो मेथड अप्लाई किया, इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है सर? आप नहीं बोले तो ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड में काफी शोर आ रहा है आपका सर। अमित जी बता सकते हैं आप? अंकित जी, अरे सर बोलिए तो, नहीं पता तो बोल दीजिए, नहीं पता है नहीं सर, तो रिप्लाई तो कर दीजिए। देखिए इसके दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम कि हमने जो पिवट लगाया है, पिवट जो लगाया है, आप डेटा मेनू बार में जाके कनेक्ट, यहाँ पे क्यूरी कनेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको ये पिवट टेबल का कनेक्शन दिखेगा। तो कहने के मतलब है जो हमने पिवट टेबल लगाया हुआ है वो क्या है, देखिए नेट लगा हुआ है ना, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देखेंगे तो डेफिनेशंस में एक फाइल का पाथ दिख रहा होगा। अब मान लीजिए कि इस लोकेशन से डाटा चेंज हो जाता है, किसी और लोकेशन में चला जाता है, या फिर आप किसी और पर्सन को ये फाइल भेज देते हैं, आप किसी और पर्सन को ये फाइल भेज देते हैं, तब क्या होगा? उसके पास ये लोकेशन तो होगा नहीं, तो वर्क नहीं करेगा, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम इसमें होती है कि चलो आपने अपने सिस्टम पे किया, तो ये आपका रो का डेटा तो अपडेट करेगा, जो रो वाइज डेटा है उसको तो अपडेट करेगा ही करेगा, लेकिन जो कॉलम वाइज डेटा है, जैसे यहाँ पे कोई नया कॉलम ऐड होगा तो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, दो प्रॉब्लम है। अब इसका सलूशन क्या है? देखिए एक सलूशन तो है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसका जो फॉर्मूला है आगे चल के मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल बता देता हूँ क्या करेंगे। हमारे पास एक ऑफसेट का फॉर्मूला होता है,
तो ऑप्शन फॉर्मूले में मैंने स्टार्टिंग ऑफ द डेटा दे दिया, यहाँ पे रो कॉमा जीरो कॉमा रो नंबर वन जीरो रो वन जीरो वन, और इसकी जो हाइट है, हाइट में मैं काउंट ए का फॉर्मूला लगा देता हूँ। मैं टोटल नंबर रो हाइट एंड कॉलन्स में हम भी हम यहीं पे सेव करते हैं कॉलन, और इसको पूरे को लगा देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आप यहाँ हाँ इसकी कुछ प्रॉब्लम है, हाँ कॉलम्स नहीं होगा, माफ कीजिए काउंट ए होगा, काउंट ए, और यहाँ पे इसमें पूरा डेटा आता है। देखिए होता है क्या है, इसको समझ लीजिए, फॉर्मूला समझ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा दिया हुआ है ए, हमने यहाँ डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको सम करते हैं तो क्या होगा, इक्वल सम, और आप डेटा को सेलेक्ट कर देते हैं, जाता है। लेकिन मुझे सम के अंदर ही करना है, सम ही करना है मुझे, लेकिन मैं चाहता डायनेमिक हो, क्योंकि मैं जब नीचे ऐड करूं तो ऑटोमेटिकली सम उसको कंसीडर कर लेंगे। तो बोलेंगे सम में मैं पूरा रेंज लगा देता हूं, नहीं मैं पूरा रेंज नहीं देना चाहता हूं। तो उस केस में हम सम के अंदर में लगाएंगे ऑफसेट, यहाँ रखेंगे, बोलेंगे कि रो नंबर जीरो कॉलम नंबर जीरो, और इसकी जो हाइट है, हाउट के लिए मैंने काउंट एक आउट वहाँ लगा लिया, बोला कि एफ कॉलम में जितने भी डेटा है उसका काउंट करके दे दो, और वापस काउंट ए लगा दिया, बोला कि आपके पास इसमें जितना रो है वो काउंट करके मुझे दे दे, जितने डेटा टाइप है, सॉरी। इंटरफेस करेंगे तो देखिए आपका 1847 आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये कंसीडर कर लेता है। तो कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पे देखिए, एवलेट फार्मूला में तो ऑफसेट फार्मूला को क्या मिला, 11 नंबर यहाँ पे देखिए ऑफसेट फार्मूला के मिला, ऑफसेट फार्मूला बोला कि स्टार्टिंग एफ टू से है, जीरो रो जीरो कॉलम है, जहाँ है वहीं से शुरू करो, कोई कॉलम रो बढ़ाना नहीं है, बढ़ाना है तो आप वन टू भी जितना कॉलम बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। फिर आता है कि ठीक है रो की हाइट कितनी, मतलब कि कितना नंबर रो पकड़ना है, तो मुझे 11 रो पकड़ना है, कॉलम कितना पकड़ना है तो 4 पकड़ना है। तो ऑफसेट क्या करेगा कि यहाँ एफ टू से 11 रो नीचे और 4 कॉलम आगे का एड्रेस बना देगा। देखिए एफ टू से एफ ट्वेल्व बना दिया ना, सॉरी जे आई ट्वेल्व, और इस एड्रेस किसको दे दिया, ये एड्रेस दे दिया सम को, और सम ने अपना काम कर दिया। तो सेम ए आपका ऑटोमेटिकली एड्रेस बनाएगा। तो मैंने भी सेम यहाँ पे रखा हुआ है कि ए वन से चलना है, सेम रो सेम कॉलन, और काउंट ए, काउंट ए क्या करता है कि कॉलन में जितनी भी वैल्यू डली हुई है उसका काउंट दिखाता है। तो हमने बोला कि कॉलन का काउंट, रो का काउंट एंड कॉलम का काउंट दे दो ताकि हाइट एंड विड्थ पता चल जाए, तो उसका रेंज बना देगा। अभी तो पूरा डेटा दे रहा है, लेकिन इसको अगर हम सम में या किसी और चीज़ में लगा के एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि एन ने आया। अब ये एवलेट फॉर्मूला हम करते हैं, क्या करता है देखिए, ऑफसेट ने क्या बना के दिया, पूरा ए वन से लेके टी सेवन सेवन नाइन थ्री। ये एरर इसलिए आया कि इस डेटा में एरर है, इसलिए एरर आया, रिजल्ट आ गया। तो अब इस ऑफसेट फॉर्मूला को हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो फ्रीज करते हैं, ध्यान रखिएगा हमने फ्रीज किया, और फ्रीज करने के बाद हमने इसको कॉपी कर लिया और हम चले गए डिफाइन नेम में, कहाँ चले गए डिफाइन नेम, और इसमें हमने डेटा नाम दे दिया, और यहाँ पे हमने दे दिया क्योंकि पिवट टेबल किसी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हमने फॉर्मूले को कहाँ लगा दिया, नेम मैनेजर में। लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रीज जरूर कर दीजिएगा, डॉलर साइन लगाएगा, वैल्यू एब्सोल्यूट कर लीजिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी, देन ओके। अब मैं कहीं भी पिवट लगाऊंगा, जैसे मान लीजिए सीट टू पे पिवट लगा रहा हूँ, इंसर्ट पिवट टेबल, और मुझे यहाँ पे डेटा टाइप करके ओके कर देना, लग गया पिवट टेबल। और ए जो है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जहाँ डेटा बढ़ेगा दोनों पे वर्क करेगा।
समझ में आया सर? किसी को डाउट इसमें? इसको बेटर समझने के लिए आपको जो है ऑफसेट फॉर्मूला को समझना होगा। अब चलिए अब इसके और कुछ और चीजें भी इसके देख लेते हैं। तो एक्सटर्नल डेटा सोर्स में आप सिर्फ एक्सेल टू एक्सेल ही नहीं, आप यहां से कोई पर्टिकुलर एक्सेस फाइल है, जैसे मान लीजिए एमएस एक्सेस की फाइल है, एसक्यूएल सर्वर है, किसी पर्टिकुलर पाथ है, वहां से भी डेटा उठा सकते हैं। जैसे मैंने यहां से डॉक्यूमेंट से मैंने डेटाबेस 8 जो है उसका उठा लिया, ओपन। अब इसमें कोई डेटा सोर्स नहीं है, मैं ब्लैंक ही बना रखा है, लेकिन कहीं भी कीजिएगा एक बार में किसी एक ही डेटा, एक ही डेटा टेबल या शीट को रिकॉग्नाइज करता है, उससे ज्यादा नहीं। ऐसे इसमें भी नहीं है, तो खाली ब्लैंक डेटाबेस बना रखा हूँ मैं। अच्छा साइज देख लेता हूँ, अब देखिए इसमें इतने सारे शीट्स हैं, जिस शीट का डेटा चाहिए या क्यूरी का डेटा चाहिए आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओपन एंड ओके, ये आपके सामने आ जाता है। इसी तरह से मुझे एसक्यूएल सर्वर से डेटा चाहिए तो आप यहीं पे एक्सटर्नल्स चूज कनेक्शंस ब्राउज फॉर मोर, यहाँ न्यू सोर्स में आइए और यहाँ एसक्यूएल सर्वर या ओरिकल है तो ओरिकल सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको देना होता है सर्वर नेम। अब एसक्यूएल सर्वर करते हैं तो आपके पास एसक्यूएल का सर्वर चाहे उसका क्लाइंट होना चाहिए, क्लाइंट सर्वर, तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो एसक्यूएल सर्वर में क्या चाहिए होता है, एसक्यूएल सर्वर का सर्वर नेम और उसका ऑथेंटिकेशन, मतलब कि अब जैसे मेरा तो विंडो पे है, मतलब कि लोकल होस्ट है, लेकिन आपकी कंपनी में तो सर्वर होता है ना, तो आपके एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड देता है। तो डायरेक्ट आप एसक्यूएल सर्वर से कोई पर्टिकुलर डेटा या पर्टिकुलर क्वेरी को आप यहीं पे डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी और प्रॉब्लम होती थी मेरी लाइफ, मैं अपने ऑफिशियल लाइफ में यूज करता था इसको। क्या होता था कि एक पाथ होता था, उस पाथ से हमें डेटा चाहिए होता, ठीक है। जैसे मान लीजिए मान लीजिए एक हम यहाँ से विकिपीडिया से उठा रहे हैं। अब मुझे ये डेटा चाहिए जो आपको सामने दिख रहा है, डेटा चाहिए, इस डेटा को मैं पिवट टेबल में रखना चाहता हूँ। लेकिन मान लीजिए कोई डेटा टूल से कहीं भी है लेकिन मुझे चाहिए पिवट टेबल में चाहिए, तो ये सब चीज़ें पावर क्यूरी से की जाती है। जी हाँ, पावर क्यूरी से। तो डेटा में फ्रॉम वेब पे आपको आके इसका पाथ डालना होगा, एंड ओके कीजिए। अब हर जगह अलग अलग काम करता है, जैसे कि मैंने ऐसे बता दिया तो हर जगह ऐसे ही काम करेगा, वो टेबल्स के अकॉर्डिंग मैंने बढ़ता करता है। पीडीएफ से किसी चीज से भी आप लगा सकते हैं डेटा। अब गेट डेटा जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। जैसे टेबल वन आपके सामने दिख रहा है और टेबल जीरो है, ये डेटा है मेरा, ये चाहिए। अब मुझे डायरेक्ट अगर लोड कर दूंगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें मुझे पिवट चाहिए, क्योंकि लोड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेटा का डेटा आ जाएगा, लेकिन मुझे डेटा नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू जस्ट प्योर टेबल। तो लोड टू पे क्लिक करना होगा। लोड टू पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने ऑप्शन आएगा कि टेबल, प्योर टेबल, प्योर चार्ट, ये सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। हमने बोला कि हमें चाहिए प्योर टेबल रिपोर्ट्स, ओके। तो अब आप देखेंगे कि आपका इंटरनेट पे जो पेज है उस पेज से आपका यहाँ पिवट टेबल लगा हुआ है, समझ गए?
इसमें पीडीएफ से हो गया और अलग अलग चीज़ों से हो गई, कई सारे टैब सीट से लगाना है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एक फोल्डर है जिसमें 20 फाइलें हैं और 20 फाइलों का डेटा आपको पिवट के अंदर कुलेट करके आपको पिवट लगाना है। ये सब चीज़ें की जा सकती है, लेकिन उसके लिए हमें इस्तेमाल करना होगा कौन सा, गेट डेटा। तो इसको मैं आपको विस्तार से जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आपको आ जाएगा। फिलहाल चलिए पिवट की और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने ये डेटा है और मुझे इस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है, तो हमने हमने इंसर्ट करके पिवट टेबल लगाया, देन ओके। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम दे दिया और यहाँ पे मैंने जोन दे के और यहाँ पे हमने अपना टोटल सेल निकाला हुआ है। अब मुझे इसको सिटी वाइज रिपोर्ट देखनी है, तो आप यहाँ से एक एक सिटी को सिलेक्ट करेंगे, रिपोर्ट देखेंगे, बट आपकी रिक्वायरमेंट हो गई कि हर सिटी के लिए एक अलग अलग सीट में रिपोर्ट आपको बनानी है। हर सिटी के लिए एक अलग अलग सीट पे आपको रिपोर्ट बनानी है, कैसे करें इसको भाई? तो आपको क्या 10 सिटी है तो 10 अलग अलग पिवट लगाने पड़ेंगे मैनुअल, लेकिन ऐसा नहीं करना। आप यहीं पे आएंगे तो ये आपको दिखेगा पिवट टेबल ऑप्शन, पिवट टेबल एनालाइज के अंदर में पिवट टेबल ऑप्शन दिखेंगे। इसी में आपको दिख रहा होगा शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज, क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए एंड देन जस्ट ओके क्लिक कीजिए। विथ इन सेकेंड में आपके जितने भी शीट्स होंगे सारे शीट्स, उसके शीट्स के नेम और उस पे उसी का सिर्फ पिवट टेबल आपको लग के आ जाएगा। ओके, बाकी पिवट टेबल में नॉर्मल चीजें हैं जिसको यूज आप कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें कोई खास है नहीं, आप देख लीजिएगा। इसके बाद अभी देखिए यहाँ पे 2007 तक का पिवट होता है खत्म। अब जो नेक्स्ट जो आती है तो आता है 2010 तक का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है पिवट्स का, वो आता है स्लाइसर्स, पावर पिवट, पिवट विथ रिलेशनल डेटा। ये चीजें आपकी जो है लेटेस्ट एक्सेल 2013-19 वगैरह में आएगा, तो सबके पास ये होना चाहिए तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, राइट सर? और स्लाइसर जब इस्तेमाल करेंगे तभी जाके आप रिपोर्ट्स वगैरह बना सकेंगे। तो स्लाइसर्स की क्लास करने के बाद, मैंने एक क्लास और आपकी पिवट की है वो करने के बाद, फिर हम एक रियल टाइम प्रॉब्लम लेंगे और उस पे एक रिपोर्ट बनाएंगे, किसकी मदद से, पिवट की मदद से, मतलब कि एक डैशबोर्ड बनाएंगे हम पिवट टेबल की मदद से। ठीक है सर?